जय जीवदानी। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य देवता आत्मा कारक, नैसर्गिक आत्मा कारक सूर्य देवता प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। बहुत अच्छी खबर है। बहुत दिनों से सूर्य देवता अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में शुक्र के घर विचर रहे थे और बहुत बेचैन थे लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, अपने अपने भावों की समस्याओं को लेकर। मैं कामिनी खन्ना YouTube/BeautyWithAstrology से आप सभी के साथ और आप सबका अभिवादन करते हुए स्वागत करती हूँ आपका। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करके क्या करेंगे। अग्नि तत्व के सूर्य और वायु तत्व की मिथुन राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध, जो सूर्य के परम मित्र हैं, जो सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं, और ऐसा ही बुधादित्य योग यहाँ पर भी मिथुन राशि में भी आगे चल के बनने वाला है। तो फिलहाल तो आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न और राशि दोनों के हिसाब से बता रही हूं, कंफ्यूजन मत कीजिए। आप लोगों के, कई लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो लग्न से देखें कि राशि से देखें। वो दोनों से देख सकते हैं, वैसे राशि से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर वक्तव्य मैं कर रही हूँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि ये जो अग्नि तत्व के गोले हैं, ये जो आत्मा कारक सूर्य हैं, ये किन किन चीजों में आपके जीवन में आधिपत्य रखते हैं। तो मैं कामिनी खन्ना आपको बता दूं कि सूर्य महाराज जो हैं, ये आपके मान सम्मान, आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर के उत्साह, आपका अभिमान, स्वाभिमान, गुरूर, घमंड, इज्जत, मान सम्मान जो समाज द्वारा आपको मिली होती है, सभी के मालिक होते हैं ये। हर प्रकार से आपके अंदर जो क्या कहते हैं, जो दिया जल रहा है, जो आपका आत्मा का प्रकाश है, उसके कारक होते हैं, आपके पिता के कारक होते हैं, आपकी हड्डियों के, नेत्रों के, आपके दांतों के, आपकी स्कल के, आपकी स्पाइन के, जिससे आप मेडिटेशन में उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं, उसके कारक होते हैं। तो सूर्य का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके पद, आपका क्या कहते हैं, आपकी नौकरियां, या आप नेतागिरी में हैं, अभी नेतागिरी में हैं, जिन भी चीजों में आपकी जॉब्स हैं उसमें आपको कैसा यश प्राप्त होगा, आपके काम कैसे होंगे, आपको कितनी इज्जत मिलेगी, इस चीजों में आपके सूर्य की स्थिति देखी जाती है। अब बुध क्या है, जहां पर ये प्रवेश करने वाले हैं मिथुन राशि में, तो बुध जो है ये वायु तत्व के ग्रह हैं, लेकिन वायु तत्व के होने के साथ साथ आपके दिमाग के कारक हैं, व्यवसाय के कारक हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसके कारक होते हैं, व्यवहार कुशलता के कारक होते हैं बुध। तार्किक बातें करने में, लॉजिकल बातें करने में होशियार होते हैं बुध। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि बुध आपकी वाणी है, आप जो बोलते हो उस पर अधिकार अधिपत्य बुध का होता है। आप जैसा व्यवसाय व्यवहार कुशलता जितनी आपके अंग में होती है वो बुध से होती है। कम्युनिकेशन और संचार के मालिक होते हैं बुध, और लेखन अंक गणित के भी मालिक होते हैं। यहाँ तक के आपके जीवन में जितना भी बोल चाल, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, या इसके अलावा जो लोग मोटिवेट करते हैं, या जो लोग बोलने चालने से कमाते हैं, जो लोग सिंगिंग वगैरह करते हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, टेलीकॉम में हैं, ऐसे कितने लोग जो हैं उन पर बुध का प्रभाव होता है। अब ये बुध जो है ये आपके बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला, आपके बुद्धि का भी दाता होता है। यही पर बुध आपकी त्वचा का, आपके फेफड़ों का, आपके श्वसन तंत्र के साथ, आपके नर्वस सिस्टम का, आपके किडनीज का, आपके क्या कहते हैं हाथों का, आपके कान का, नाक का, गले का, सबका स्वामी होता है।
तो बुध एक छोटा सा ग्रह माना जाने वाला, और लोग जिसको समझते हैं कभी कभी कि वो नपुंसक है, वो बहुत बड़ा असर रखता है आपके जीवन में। और जिनकी कुंडली में बुध आदित्य योग बन जाता है, बहुत ही मेधावी, लॉजिकल और समझदार और व्यवहार कुशल पर्सन होते हैं वो, और जीवन में व्यवसाय में बहुत आगे बढ़ते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। अब डिपेंड ये करता है कि सूर्य तो मिथुन राशि में अपने मित्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन सूर्य को यहाँ नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं। कल परसों मैं किसी की कुंडली देख रही थी और वो मुझसे बार बार यही पूछे जा रहे थे, मेरी महादशा क्या कहती है, मेरी महादशा क्या कहती है। आप और मत कुछ देखिए, मेरी बेसिक कुंडली में बताइए कि मेरी महादशा क्या कहती है। याद रखें, आपके कुंडली में आने वाली महादशाएं भी गोचर पर अवलंबित होती हैं, और गोचर अवलंबित होता है नक्षत्रों पर, तो सारा खेल नक्षत्रों के हाथों में होता है। मैं जल्द ही नक्षत्र की सीरीज लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगी। याद रखें कि सूर्य जो है ये जिन जिन नक्षत्रों में विचरेंगे उसी के हिसाब से फल देंगे। वो अपना कोई एक सेपरेट फल तभी दे नहीं पाएंगे जब तक उनको कोई फेवरेबल नक्षत्र नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा नक्षत्र मिल रहा है और सूर्य कभी प्रवेश कर रहे हैं, चलिए डेट वाइज जानते हैं हम। 15 जून को मिथुन राशि में शाम 6:16 पर सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर 17 जुलाई तक वो रहेंगे। फिर वो 17 जुलाई मतलब के 1 महीना 1 दिन के बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, चंद्र की राशि में, वो भी उनका मित्र है। 15 जून को सूर्य जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए तीसरे चरण में जब रहेंगे तब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और वहां पर मृगशिरा नक्षत्र में वो 22 जून तक रहेंगे। तो 7 दिन का पीरियड सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो 22 जून से आराद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य, और 22 जून से लेके 6 जुलाई तक वो आराद्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो ये राहु का नक्षत्र है आराद्रा, और 13 दिन का ये पीरियड सूर्य को ग्रहण जैसा लगेगा जब वो आराद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके होंगे। फिर 6 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो ये 11 दिन का पीरियड जो है वो आपको काफी फेवरेबल रहेगा जब सूर्य गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य को यहाँ कमाल दिखाने के लिए 2 चंक्स मिलते हैं, वो है 15 तारीख से लेके 22 तारीख और 6 तारीख से लेके 17 तारीख। ये इन तारीखों में आप जो सूर्य का आधिपत्य ज्यादा है, या जिनके लिए बहुत ज्यादा कारक हैं, जिनके लिए सूर्य प्रभावशाली है, महादशा चल रही है, जिनकी अंतरदशा चल रही है और जिनके गोचर बहुत अच्छा हो रहा है, तो उन लोगों के लिए, या कोई सिंह लग्न का है जिनके भामों के लिए बहुत ज्यादा सूर्य काम करते हैं, उनको बहुत असर पड़ेगा इन तारीखों में। अब हम एक और मजेदार बात जानें, और खुशी की बात यह है कि सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाने के लिए बुध भी प्रवेश कर जाएंगे। तो 24 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 8 जुलाई तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। 13-14 दिन का पीरियड है जब बुध के साथ सूर्य भी वहां पर विराजमान रहेंगे और बुधादित्य योग बना रहेगा। तो ये 13-14 दिन का जो पीरियड 24 जून से लेकर 8 जून तक का, ये एक पॉसिबिलिटी लेकर आता है जबकि सूर्य आराद्रा नक्षत्र में रहने वाले हैं कि सूर्य अच्छा फल फिर भी दे सकें। अब आप कहेंगे, आपने अभी कहा था कि सूर्य आराद्रा नक्षत्र में ग्रहण जैसा योग बनाएंगे, लेकिन वो कमान संभालने आ जाएंगे बुध और उनका मित्र उनके साथ मिलके ये टोटली जो खराब पीरियड है उसको कवर अप करेगा। अब याद रखें कि सभी राशि वालों का फिर भी जो है अलग अलग प्रेडिक्शन होता है, अपनी अपने भावों के अनुसार, अपने अपने लग्न और राशि के अनुसार। हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा सूर्य के इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था का, सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करके। अब ये भी देखा जाएगा कि सूर्य अपनी राशि से कौन से नंबर पे चले गए हैं। राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मेरा राशिफल खत्म होगा मैं इससे लेके मीन राशि के लिए, तब मैं आपको सूर्य के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन में काफी अच्छा फल देंगे। किन लोगों के लिए सूर्य बहुत ज्यादा कारक है ये भी बताऊंगी, और किन लोगों के लिए सूर्य कारक नहीं है वो भी बताऊंगी, तो उनके लिए भी क्या उपाय हैं वो भी बता रही हूँ, कॉमन उपाय बताऊंगी मैं।
मेष राशि, मेष लग्न, मेष राशि के लिए सूर्य जो है आपके पंचम भाव के कारक बनते हैं और अपने से ये कहाँ गए, अपने से लाभ भाव में चले गए, अपने से 11वें चले गए। तो ये सभी के लिए यही योग बनेगा कि अपने से लाभ में जाएंगे, दिमागी चतुराई से पैसा प्राप्त करेंगे और यात्राओं में लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, बच्चों से मदद मिलेगी, बच्चों का भला होगा, वीजा लगेंगे अपने, जिनको संतान प्राप्त करनी थी उनके अच्छे अगर संतान हुई तो उसकी वो उससे बड़ी ही क्या कहते हैं लकी संतान होगी इस दौरान जो पैदा होगी, और उससे आपके पिता की, उनके पिता की जो है बहुत उन्नति होगी। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि सूर्य जो है यहाँ पर सरकारी दरबारी काम भी कराएंगे, भाग दौड़ तो करवाएंगे लेकिन एकदम पॉजिटिव, और आपको खूब सारा लाभ होने जा रहा है नौकरी पेशा लोगों को भी। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, अब आप देखिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जब आपके द्वितीय भाव में आते हैं तो माता पक्ष से आपको धन संचित करने में मदद मिलती है, पैसा मिलता है, आपके कई सारे काम जो घर से रिलेटेड हैं परिवार की मदद से हो जाते हैं, परिवार इसमें सपोर्ट करता है, आपके घर परिवार में रेनोवेशन या आपको जमीन खरीदना या आप चाहते हैं कि आपका वाहन वगैरह खरीदा जाए तो ये भी काम हो सकते हैं, बोलने चालने के कामों में आपको बहुत ज्यादा यश मिलेगा, नेतागिरी अभिनेतागिरी जिनकी है वो बोलने में है, बड़ा उनकी तारीफ होगी, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे और धन संचित होगा। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, आपके लग्न में आ जाएंगे सूर्य, प्रकाश पड़ेगा कि आपको क्या क्या और करना चाहिए, आपको लोग बुलाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपके जो हैं क्या कहते हैं आपके तृतीय भाव के स्वामी हो तो उत्साह उमंग पराकाष्ठा रहेगी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, आपके अंदर बहुत ज्यादा व्यवहार कुशलता है, आपकी तारीफें बड़ी होंगी और आपके धनाधन गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनेंगे, अगर कोई काम पेंडिंग है तो कर लीजिए इस दौरान, और छोटे भाई बहनों से खूब साथ, छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर बड़ा काम करने की योजनाएं भी बन सकती हैं, यात्राओं में खूब लाभ हो सकता है। कर्क राशि, कर्क लग्न आपके लिए देखिए कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी द्वादश में जाकर बैठेंगे तो आपको धन संचित जो हुआ वो खर्च करने की स्थिति आ गई, परिवार ही आपका खर्चा करा देगा, कहेंगे कि हमको फॉरेन जाना है, हमको घूमने फिरने लेके जाओ तो आप लेकर जाएंगे ना, और लेकर जाएंगे तो खर्चा होगा, नहीं तो कोई अन्य कारणों से खर्चा होगा, आप खुशी से ये खर्चा करेंगे, विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें प्रेमी शामिल हैं वो बन सकते हैं, आपके विदेशों में वीजा लगना, ग्रीन कार्ड मिलना या कोई अन्य प्रकार की स्थिरता आपको गवर्नमेंट से वहां के मिल सकती है, संचित धन बन सकता है, बोलने चालने के कामों में आपके आपको उन्नति मिलेगी। सिंह राशि, लग्नेश हैं आपके लाभ में बैठेंगे, बुद्धि चातुर्य समझदारी इज्जत मान सम्मान से आपका आगे बढ़ना और पैसे पाना दिखता है, और साथ साथ आपके केस विवाद से मुक्ति, ताया चाचा पिता समान लोगों से आपको फायदा, गवर्नमेंटल अधिकारियों से आपके उन्नति, आवेदन भरे हैं नौकरी के तो लग सकते हैं और कई सारे काम आपके बन जाएंगे फटाफट, जो आपने क्या कहते हैं अपनी इंक्रीमेंट के लिए या नौकरी आवेदन के लिए या नेतागिरी के लिए कोई पर्चे वगैरह भरे हुए हैं तो आपके मान्य हो जाएंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न, द्वादश भाव के स्वामी है, दशम भाव में आ गए, अब दिमाग में लेकर आए कि आपको विदेश में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप करेंगे, आपके पिता समान लोग या आपके प्रेमी इसमें मदद करेंगे, आप गवर्नमेंटल बॉडी से रिलेटेड कार्यों को यहाँ पर इन विद इन इंडिया करने की पूरी कोशिश करेंगे, हालांकि आपके बहुत सारा खर्च जो है यहाँ पर होने वाला है, आपके बहुत सारे काम जो हैं आपके गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों में भाग दौड़ करवाएंगे, और आपके कोई पेपरों से रिलेटेड काम है, कोई पेंडिंग काम है जो आपको नौकरी से रिलेटेड थे तो वो भी होंगे इसमें, आपके अगर कोई वीजा वगैरह शामिल थे तो वो भी होंगे। दशम भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देता है और मिथुन के घर में तो और भी अच्छा देगा, तो दशम भाव में जब सूर्य जाएंगे तो आपकी इज्जत मान सम्मान में वृद्धि, बड़े बड़े अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, सती आए दिया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, सती आए दिया।
में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद ना सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, डोल लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला लग्न आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठते हैं भाग्य भाव में। क्या ही मजा है कि पहले काम किया, फिर पैसा आया, फिर पैसा आया, फिर उसको बढ़ाने के लिए फिर काम किया। मजेदार बात है, अमिकेबली आपके केसेस विवाद से आपकी मुक्ति होगी। आपके कई सारे काम ताया चाचा पिता समान लोगों से बढ़ेंगे, उनके साथ काम करने से आपको मजा आएगा। यात्राएं बड़ी शुभ होंगी और यात्राओं में आपके काम फटाफट बनेंगे। आपके भाग्य से रिलेटेड जितने आपको नसीब से जो काम मिलने वाले थे और नसीब का पैसा खाएंगे आप, और आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको खूब सपोर्ट मिल सकता है, उनकी भी उन्नति हो सकती है, उनके साथ मिलकर व्यवसाय करने की योजनाएं भी बन सकती हैं और आप इन सब कार्यों में यश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बिंदोक आगे बढ़िए, आपके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न दशम भाव के स्वामी हैं और जाके अष्टम भाव में बैठते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत मन है। सरकारी दरबारी कामों में कोई अपना दिल दिमाग और टाइम डाले जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं आता है और आप ज़्यादा सोचते हो, लेकिन ज़्यादा सोचे ना, ये रोशनी पड़ने वाली है कि आपको व्यवसाय कैसे करना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, जो इतने दिनों से समझ में नहीं आ रहा था। आपके ससुराल पक्ष के साथ कुछ काम है तो वो भी बनने हैं, नौकरी से रिलेटेड भी बनने हैं, और आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक पार्टनर के साथ मिलके कुछ काम थे तो वो भी बनते नजर आएंगे। अब विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो भी खत्म होगा और आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो काम थे वो जरा संभल के कीजिए। अभी आपको किसी भी काम में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। धनुराशि, धनु लग्न आपके भाग्य है सूर्य, और जब सप्तम में आते हैं ना तो एक ऐसा साथी मिलता है, वर वधु मिलता है, ऐसी शादी होती है जहाँ पर आपका भाग्योदय हो जाए, ऐसा जगह से आपको रिश्ता आता है जहाँ पर आपकी निकल पड़े, नसीब से आपका काम हो जाता है, नसीब से आपके व्यवसाय में वृद्धि होती है, नसीब आपका साथ देता है, कोई बड़ा आपको ऑफर आता है उसको बिल्कुल मना ना करें, सूझबूझ से एकदम हाँ बोलते जाना है और कामों को बढ़ाना है। विवाहित हैं अगर तो विवाहित जीवन के साथी से आपको खूब सपोर्ट और व्यवसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट, यात्राओं में लाभ और खूब सारा काम आगे बढ़ के बड़े भाई बहनों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। मकर राशि, मकर लग्न आपके अष्टम भाव के स्वामी और जाकर बैठते हैं षष्ठ भाव में, थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। वैसे सूर्य जो है षष्ठ भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अष्टम के स्वामी है तो नेचुरली प्रकाश डालेंगे कि तबीयत क्यों खराब थी, डायग्नोज होगा आपके कुछ न कुछ ऐसे हड्डी स्कल दांत आपके स्पाइन से रिलेटेड, कैल्शियम D3 वगैरह से रिलेटेड समस्याएं थी, उन पर प्रकाश पड़ेगा। कोई आप लोन्स वगैरह चाहते हैं गवर्नमेंटल बॉडीज से, कोई बैंकिंग व्यवहार करना चाहते हैं, कोई मामा पक्ष से सहयोग चाहते हैं ननिहाल से, तो ये भी होगा। आपके शत्रु दमन होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि ये लोग मुझे विरोध कर रहे थे, तो शत्रु भी खुल के सामने आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन थे जो आपकी टांग खींच रहे थे या आपको तकलीफ दे रहे थे। बस थोड़ी सी तबीयत संभालिए, सूर्य की रोशनी में आप ओम ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडा विचे के जाप करते रहें। कुंभ राशि, कुंभ लग्न आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आपके सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में, दिमाग पे विवाहित जीवन छाया रहेगा और हमेशा चाहिए आपको कि वो आपको सपोर्ट करें, अच्छी बात है, वो सपोर्ट करेंगे, विवाहित जीवन भी सपोर्ट करेगा, व्यावसायिक पार्टनर भी सपोर्ट करेगा, बच्चे भी सपोर्ट करेंगे, उनकी भी उन्नति होगी, आपकी भी होगी। जो लोग चाहते थे कि आपके कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ एडमिशन्स हो जाएं, कुछ विदेशों में आपके वीजे लग जाएं, कुछ आप चाहते थे कि आपकी सरकारी नौकरियां लग जाएं, आप चाहते थे व्यवसाय बढ़ जाए, आप चाहते थे बच्चों का ऐसा कुछ हो जाए, तो वो हो जाएगा, बस आप सजगता से अपने कार्य करते रहें। मित्रगण उच्च कोटि के मिलेंगे, बड़े बड़े लोग आपके दोस्त बनेंगे जिनसे आपको फायदा हो सकता है, और हो सकता है
अभी आपके फिलहाल शादी के भी योग बने हुए हैं, हो सकता है किसी उच्च घराने में आपकी मित्रता के साथ साथ आपकी शादी के भी योग बन जाएं। मीन राशि, मीन लग्न, आपके श्रेष्ठ भाव के स्वामी है चतुर्थ भाव में। ये भी ट्रिकी सिचुएशन है, चतुर्थ भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, जो पेपरों की वजह से फंसी हुई है, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से फंसी हुई है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको पेपर नहीं मिल रहे या आपको प्रॉपर्टी हाथ नहीं आ रही, तो आप लोन्स वगैरह चाहिए उसके लिए, तो वो आप भर सकते हैं पर्चियाँ वगैरह, आपको लोन वगैरह मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। बस आपको अपनी हार्ट से रिलेटेड डायग्नोज भी हो जाएंगे कि क्या तकलीफ थी, क्योंकि इस बार सूर्य जो है अपने मित्र के घर प्रवेश करेंगे और वहां पर आपको कई सारे फायदे दिलाने के लिए उद्यत रहेंगे। सूर्य आपके लोन्स वगैरह और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार दोनों ही साथ में बनने वाले हैं और माता पक्ष से खूब सपोर्ट होगा, लेकिन थोड़े बहुत उनके भी डायग्नोज हो जाएंगे जो आपको उनका इलाज कराना चाहिए। और साथ में आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है जब घर में प्रवेश कर जाते हैं, आपके घर में अगर सूर्य की रोशनी आ जाए तो क्या खराब करेगी आपको? नहीं खराब करेगी। आपके घर में सूर्य की रोशनी आएगी तो सब जो क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े और जंतु जो है वो मर जाएंगे। इसका मतलब है आपके घर में कोई नेगेटिविटी थी तो वो कट हो जाएगी। आपके घर में सूर्य का उजाला फैलेगा तो आपके पिता समान लोगों से आपका उन्नति होगी, घर में रेनोवेशंस वगैरह करने की भी संभावनाएं बनेंगी और उच्च कोटि के लोगों के साथ से आपके कार्य भी गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड बनेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि सूर्य किसके कारक हैं और सूर्य किसके लिए कारक नहीं। तो मेष राशि और साथ में मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, इसके बाद वृश्चिक, धन और मीन, इन राशियों के सूर्य कारक बनते हैं। और जो है वृषभ राशि, तुला राशि और साथ में मकर और कुंभ राशि, इन राशि वालों के लिए सूर्य कारक नहीं होते। इनको जहां तक हो सके सूर्य की रोशनी में बैठ के अपने ही लग्न के स्वामी की आराधना करनी चाहिए, जिससे इनकी जीवन में उन्नति हो। फिर भी मैं कामिनी खन्ना यहाँ बड़े ही कॉमन से उपाय बताऊंगी सूर्य के, जो आपके जीवन में फटाफट असर देंगे। आप ना, यहाँ कोई सूर्य मंदिर नहीं होता कोणार्क की तरह जहाँ पर आप विजिट करेंगे। सूर्य मंदिर आप अपने घर को बनाइए, जहाँ से सूर्य की, जिस खिड़की से सूर्य की रोशनी आती है सुबह या शाम दोनों, वो खिड़की खोल करके पर्दे और एसी मत ऑन कीजिए, आने दीजिए थोड़ा देर सूर्य की रोशनी, तो आपके घर में जो कीड़े मकोड़े नामक जो आपकी विरोधी या गलत विचार या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसके साथ आपके जीवन में सूर्य तत्व का संचार होगा। इसके अलावा सूर्य क्या है आपके जीवन में, आपके पिता हैं, तो आपके पिता के पैर रोज छुआ करें। अगर आपके पिता नहीं है दुर्भाग्य से, तो आप अपने पिता समान लोगों के पैर छुआ करें। इसके अलावा गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी है, सरकार है सूर्य, तो सरकार से रिलेटेड जितने काम हैं सजगता से किया करें और कोई भी गलत काम ना करें जिससे सूर्य बिगड़ जाए। अब आपकी आत्मा है सूर्य, तो आत्मा कारक का मतलब मेडिटेशन करना, ओम के जाप करना, सूर्य के 12 नाम बोलना जो मैंने वीडियो की शुरुआत में लिए, या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना, या ओम सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः का जाप करना, या गायत्री का जाप करना, ये भी आप कर सकते हैं। मैं ये तीनों जाप जो हैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जो लोग जाप कर ना पाए वो लोग ये जाप, जिनके लिए मैंने बताया कि सूर्य कारक हैं, वो जाप घर में लगा के रखिए और सुनिए। इसके अलावा सूर्य के कुछ उपाय और भी होते हैं, जैसे गाय को संडे के दिन, रविवार के दिन जाके आप कनक यानी कि गेहूं खिला सकते हैं। पिता समान लोगों को आप सेवा के लिए पैसा वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा लाल मसूर शिवजी पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं शिवजी पे ये सब चढ़ाने के फेवर में नहीं रहती हूँ। आप सप्ता नाथ चढ़ा सकते हैं, उसी में सब कुछ तकलीफें आपकी दूर हो जाती हैं। शिवजी की सात्विक आराधना ही करनी चाहिए और सूर्य से रिलेटेड गायत्री के जप करना, सूर्य को जल चढ़ाना और जल चढ़ाते वक्त धार के बीच में से सूर्य की रोशनी को देखना, ये सब सुबह 10-11 बजे से पहले कर लेना चाहिए। और 108 गायत्री की माला कर सकते हैं और साथ साथ आप जो हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ भी कर सकते हैं।
तो मैं कामिनी खन्ना आपसे चर्चा कर रही थी सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश की। बुधादित्य योग आपको मुबारक हो, सूर्य का ये प्रवेश आपको मुबारक हो। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।